कुएं से पानी उठाई और उस कुत्ते के मुंह में डाला। इंडिया में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वाल पोखर के भुट्टी छिपड़ी के अंतर्गत उसका गाँव में, जहाँ पर अल्लाह को भगवान को पसंद आ गया, अल्लाह को आइडियल जन्नत में जाएगी, एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से। तो कहने का मतलब ये है, कंबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जहाँ पे आज जरूरतमंद लोग हैं उनको जो है कंबल तकसीम किया जाएगा। और उसी के अवसर पर जो है आज प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जहाँ पे फाउंडेशन पानूर केरला, जहाँ पे जो है फाउंडेशन पानूर के तरफ से जो है कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप फाउंडेशन पानूर केरला और दूसरी तरफ यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी ट्रस्ट के अंतर्गत एजुकेशनल स्कूल तजारत में तरक्की आता फरमाए और पानूर उन लोगों को अल्लाह ताला फाउंडेशन पानूर आपके एरिया में गरीब लोगों का। इस वक्त आप तस्वीर में देख सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन केयर फाउंडेशन एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के जो और उसके साथ में हमारे गांव में दो रूम, एक किचन रूम, बाथरूम के साथ में एक जो है हमारे दादा यूनुस साहब को अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाकर दिए हैं इस वक्त जो है। और इसी तरीके से आइडियल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ओर से जो कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया जाए और उस प्रोग्राम को संबोधित कर रहे हैं इस ट्रस्ट के जो है सदर हैं हाफिज़ साहब। कंबल दूसरी तरफ जरूरतमंद लोग हैं और स्कूल के बच्चे हैं वो लोग दिखाने की गरीब लड़कियों की शादी के लिए हम लोग शादी 2021 में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शादी दिलाए थे वुमन केयर फाउंडेशन पानूर और आइडियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट दोनों साथ साथ में वुमन केयर फाउंडेशन पानूर के जो है माँ त्याद हम लोग शादी भी दिलाए थे अल्हम्दुलिल्लाह गुरु सरकार। तो आप लोगों के दुआ से हम लोग जहाँ तक हो सके आगे बढ़ रहे हैं और कंबल बांटने के लिए हम लोग मेम्बर साहब इन लोगों के हाथ में जो है इन लोगों के जरिए से बांटेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आए हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों, हम लोगों का ये ग्वाल पोखर पहले सियासी एतबार से भी MLA MP बाहर का आता था, जीत के चला जाता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे हमारे एरिया में ही मंत्री हो रहे हैं, हमारे एरिया का ही आदमी MLA हो रहा, धीरे धीरे एरिया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तरक्की कर रहा है। दुआ कीजिए कि धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ग्वाल पोखर भी जैसे बंगाल में सच्चर कमेटी रिपोर्ट में हम लोगों का जो ग्वाल पोखर नीचे है ये भी आगे बढ़ सके, आप लोग दुआ करें। तो इस वक्त जो है संबोधित कर रहे थे प्रोग्राम को पहले हम बुलाएंगे जो आइडियल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं हाफिज अब्दुल्ला साहब, उनको बुलाएंगे। वो असमतुल साहब असमतुल यहाँ पे आए, उसको कंबल देंगे। असमतुल जो हमारे आइडियल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है उसके हाथों दिए जाए। तो इस वक्त देख सकते हैं जो महिला हैं ज़रूरतमंद है उनको जो है हाथों में कंबल दिया जा रहा है, तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे मेंबर साहब हैं साबिक मेंबर, उनको बुलाते हैं। वो आए सैदुल साहब, मलिम मलिम तो इस वक्त आप देख सकते हैं जहाँ पे ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जहाँ पे ज़रूरतमंद को जो है कंबल दिया जा रहा है। आप तस्वीर में आप देख सकते हैं इस वक्त गांव के कई गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। उसके बाद हमारे जो गार्जियन हजरात है वो हैं और स्कूली के बच्चे हैं जहाँ पे ट्रस्ट के द्वारा जो है स्कूल चलाया जा रहा है। तो आप दर्शकों को हम एक बार फिर बताना चाहेंगे इस वक्त जो है हम लोग जो है
ग्वाल पोखर के दुप्ती ग्राम पंचायत के अंतर्गत अंगरभसा में मौजूद हैं, जहाँ पे ज़रूरतमंदों को जो है कि हाथों कंबल दिया जा रहा है। आप दर्शकों को बता दें, ठंड का मौसम आते ही इस इलाके में जो है काफ़ी सर्दी होती है, और जिसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे कंबल तकसीम किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग सीधे तौर पर इस ट्रस्ट के जो सदर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज का क्या प्रोग्राम है आप बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है वुमन केयर फाउंडेशन पानूर केरला के तहत, और आज जो है कंबल वगैरह बांटा जा रहा है। पिछले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2 साल से यहाँ पर कंबल वगैरह बांटते हैं। आज जो खास करके कंबल बांटने का जो इंतज़ाम किया गया, जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, बेवा लोग, उन लोगों का दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोगों को आज कंबल देंगे? आज करीब तकरीबन 60 आदमियों को देंगे इंशाल्लाह। ये आपका जो ट्रस्ट है इसके जरिए क्या क्या काम करते हैं? ये ह्यूमन केयर फाउंडेशन पानूर और आइडियल एजुकेशनल इन वेलफेयर ट्रस्ट, हम लोग का बड़ा जो है ह्यूमन केयर फाउंडेशन पानूर है, उन लोगों के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब तक 4-5 मस्जिदें बना चुके हैं, और बेलबस्ती शाहपुर में एक मदरसा बनाए हैं, उसके बाद टीबल वगैरह बोरीबल जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ वो बोलते हैं, टीबल वगैरह अब तक 34-35 दे चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन केयर फाउंडेशन पानूर केरला के तहत यहाँ जो है हम लोग एक स्कूल कायम किए हैं इंशाल्लाह। क्योंकि ग्वालपोखर 1, ग्वालपोखर 2, करण दिगी और इस्लामपुर से लेकर रायगंज के बीच में हम लोगों का कोई साइंस कॉमर्स कुछ भी नहीं है। यही फिक्र लेकर मैं कहाँ फिरता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हम लोग घर की ज़मीन भी बेचे हैं, और कुछ हम लोगों का ह्यूमन केयर फाउंडेशन पानूर केरला वाले भाई लोग हेल्प किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछला 2021 से एक साल से ये स्कूल बनाए हैं। धीरे धीरे इंशाल्लाह यहाँ पर हॉस्टल का भी जो है नज़्म किया जाएगा इंशाल्लाह। और हम यही सोचते हैं कि हमारा एरिया जो है साइंस के एतबार से, पढ़ाई के एतबार से, हर लिहाज से हम लोगों का एरिया आगे बढ़े, इसी फिक्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर हम लोग बात कर रहे थे इस ट्रस्ट के जो है सदर थे, और आप देख सकते हैं उनका साफ तौर पर एक सोच लेकर वो यहाँ चले हैं, और उनका मानना है कि इस इलाके में जो एजुकेशन की जो कमी है उसको दूर की जाए, और उसी आधार पर यहाँ के लोग जो एक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उसके दुख सुख में शामिल हुआ जाए। तो ये तमाम लोग हैं जो ऐसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आके जो एक खिदमत खल्क जिसको कहा जाए वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अहम बात है, और आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इस ह्यूमन केयर फाउंडेशन पानूर की तरफ से जो है ये प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है कंबल से उसमें सहयोग किया गया है, जो एक फाइनेंस है उनकी तरफ से किया गया उन्होंने जो बताया। साथ ही साथ हम आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे, ये स्कूल है जहाँ पे जो है गार्जियन हजरात हैं, और ऐसे लोगों को, महिलाओं को यहाँ पे बुलाया गया है जो ज़रूरतमंद हैं। तो इन्हीं तमाम तरह इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।